अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अयाज खान बिस्मिल्लाह खान डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू हाई स्कूल यावल। बच्चों मैं चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, बताइए ये तस्वीर किसकी है? महात्मा गांधी की। शाबाश बच्चों। अब मैं दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीर किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। शाबाश बच्चों। अब मैं तीसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीर किसकी है बताइए? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। शाबाश बच्चों। अब मैं चौथी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीर किसकी है बताइए? मुंशी प्रेमचंद की। शाबाश बच्चों। हम मुंशी प्रेमचंद जी ये हिंदी साहित्य के बहुत मशहूर उपन्यासकार और कहानीकार हैं। ये पहले उर्दू में लिखा करते थे और उर्दू से हमें हिंदी में लिखने लगे और हिंदी साहित्य में लगभग 225 इनकी कहानियां हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं और हिंदी में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। इसी तरीके से आज हम आठवीं कक्षा का पहली इकाई का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुंशी प्रेमचंद जी चले गए, जिसके लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्यारे बच्चों, हम इस परिच्छेद में देखेंगे, बचपन से ही मुझे रेलवे स्टेशन पर जाना अच्छा लगता है। सन 1965 की बात है, जब मैं टहलते हुए प्रयागराज स्टेशन पर पहुंचा, मैंने वहां पर देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन पुरुष अपना सामान लिए हुए उतर रहे हैं। उन्होंने अपना सामान बगल में दबाया और जोर का ठहाका लगाया। मैं जब उनके करीब पहुंचा तो मैंने देखा तो मैंने कहा, बाबूजी आप? उन्होंने कहा, हाँ मैं। फिर मैंने कहा, कहाँ चलिएंगे? उन्होंने कहा, जा तुम मुझे ले चलोगे, मैं चलूँगा। फिर वो पैदल ही मेरे साथ अपने घर चले आए। मैंने ऐसा सज्जन पुरुष अभी तक नहीं देखा था। घर पर आने के बाद वो हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रयागराज आए हुए थे। वो इस सम्मेलन में सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जाया करते थे। 3 बजे के बाद से लेकर रात 11 बजे तक लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे। वो लोगों से मिलते हुए ये कहते थे कि आप मुझे सुनिए नहीं बल्कि आप देखिए, सुनने से बेहतर देखना होता है। और श्रोतागण से उन्होंने कहा कि तुम इसी तरीके से मुझे सुनते रहो। मेरा जीवन कांटों भरा है और मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई हुई है, फिर भी मैं इन कठिनाइयों की मैं परवाह नहीं करता और इस जीवन के रास्ते पर चलता रहा। मैं पढ़ाई के वक्त से ही वकील साहब के बच्चे को पढ़ाया करता था, जिसके पढ़ाने से मुझे 5 रुपये महाना प्राप्त होता था, जिससे मैं 3 रुपये अपने घर भेजता हूँ और 2 रुपये अपने लिए रखता हूँ और इससे बहुत सारी किताबें लेकर मैं पढ़ता हूँ। पहले मैं उर्दू में लिखा करता था, फिर मैं हिंदी में लिखने लगा और हिंदी वाला ही बनकर रह गया।